गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कटाई उपरांत फलों एवं सब्जियों के रखरखाव के सिद्धांत। इफ़ यू फॉलो दीज प्रिंसिपल, श्योरली यू विल सक्सेस इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट्स। तो द प्रिंसिपल्स आर दीज आर द देर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। कैसे आप उनका रखरखाव करें हार्वेस्टिंग के बाद फल तथा सब्जियों का, इसके लिए कुछ सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। दीज आर शुड बी फॉलो टू अडॉप्ट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ट्रेंड हार्वेस्ट लेबर टू हैंडल प्रोडक्ट जेंटली। जो लेबर हैं हार्वेस्टिंग करने वाले, वो ट्रेंड होना चाहिए, शुड बी स्किल्ड, निपुण होने चाहिए हार्वेस्टिंग करने में, कि कैसे ढंग से हार्वेस्टिंग करें, फल हमारे ज़मीन पर न गिरने पाएँ, वेजिटेबल कैसे हार्वेस्ट करें, ये सब करने के लिए निपुण व्यक्ति होने चाहिए। नंबर सेकेंड, हार्वेस्टिंग एट प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। हार्वेस्ट ड्राई इफ पॉसिबल। मैच्योरिटी इज द अटेनमेंट ऑफ द प्रॉपर साइज ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल। एक निश्चित आकार होता है, जब वो फल अथवा सब्जी उस आकार को प्राप्त कर लेती है तो उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। और उसके पहले अगर उसको पिक कर लें, हम हार्वेस्ट कर लें, या ओवर मैच्योर उसके बाद करें, तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी और हमारा फल जो है वो उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज होगी और उसका जो मेंटेनेंस है वो अच्छे तरह से नहीं होगा। तो शुड बी हार्वेस्टिंग शुड बी डन एट प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज। इम मैच्योरिटी एंड ओवर मैच्योरिंग ऑफ फ्रूट्स शुड बी अवॉइडेड। मैंने आपको बताया जैसे कि इम मैच्योर और ओवर मैच्योरिटी शुड बी अवॉइडेड एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू डीके। ये जल्दी ख़राब होते हैं इम मैच्योर अथवा ओवर मैच्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। रिमूव और मिनिमाइज प्रोडक्ट फील्ड हीट। जैसे हम फलों को या सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं तो उनको छाए वाले स्थान में रखना चाहिए, इसको फील्ड हीट कहते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में राटिंग जल्दी होती है। पॉसिबल हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे। अगर संभव हो तो जब मौसम ठंडा रहे तब उनकी तुड़ाई वगैरह करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। कीप हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ सन, धूप से बचाना चाहिए। मेक फुल यूज ऑफ शेडिंग तथा छाए का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, पैकिंग शुड बी डन इन क्लीन अनडैमेज्ड कंटेनर। जो पैकिंग है उसको साफ तथा खराब कंटेनर में। नेक्स्ट, अवॉइड हैंडलिंग ऑफ ईच फ्रूट और वेजिटेबल मोर देन नेसेसरी। फील पैकिंग बिल्कुल ज़्यादा समय तक उनको हैंडल नहीं रखना चाहिए, और हो सके तो अगर हो सके तो जैसे ही तोड़ाई करें तुरंत उनकी पैकिंग कर दें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक बाहर रखेंगे पैकिंग के पहले तो उनमें राटिंग होने की, ख़राब होने की ज़्यादा चांसेज है। तो शुड बी पैक इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन पैकिंग कंटेनर। ट्रिम फिंगर नेल्स एंड आर वियर कॉटन ग्लव्स। जब हम हार्वेस्टिंग करें या फलों और सब्जियों की तुलाई करें तो हमें नाखून वगैरह अपने काट लेना चाहिए, और हो सके तो ग्लव्स हाथों में पहन लेने चाहिए। उसमें एक प्लांट का दूसरे प्लांट में डिजीज वगैरह भी नहीं जाएगी, और इस तरह से हमारे फल जो हैं एक दूसरे के टच में भी नहीं आएंगे डायरेक्टली, तो डीके वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट, ओवर पैकिंग ऑफ कंटेनर शुड बी अवॉइडेड। कंटेनर में ओ पैकिंग नहीं करनी चाहिए, निश्चित रूप से जितना साइज हो कंटेनर का उसी साइज के हिसाब से पैकिंग करनी चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा पैकिंग कर देंगे आप, निश्चित रूप से भी दे सपोकेशन हो जाएगा और उनमें राटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, लोडिंग जो है ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल में जो हमारे साधन हैं ट्रांसपोर्ट आया जाए, तो उनमें आराम से करना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको दिक्कत होगी और हमारा जो माल है वो सुरक्षित दूसरे स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। लॉसेस अकर आफ्टर हार्वेस्टिंग। लॉसेस
occur after harvesting is known as post-harvest losses. It starts from the field after harvest. जब भी हम तुलाई करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं तो तुरंत ये स्टार्ट हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. तो इन ग्रेडिंग एंड पैकिंग स्टोरेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन द होल सेल एंड रिटेल मार्केट, इन जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ग्रेडिंग में होता है जब हम ग्रेड लगाते हैं, पैकिंग स्टोरेज तथा यातायात के समय. इस्टीमेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, अगर आप जो हमारा फलों के कटाई उपरांत लॉस है, नुकसान है फलों का, उसका अनुमान लगाएं, तो ए रेसेंट जॉइंट स्टडी कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म यमसी किनले एंड कंपनी एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CIA, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द कंट्री इज लॉस ड्यू टू वेस्टेज एंड वैल्यू डिस्ट्रक्शन. जो हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फंड के द्वारा और तथा CII के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50% जो प्रोडक्शन है फलों तथा सब्जियों का हमारे देश में वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है. द वेस्टेड कास्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹23,000 करोड़ इज ईयर, और लगभग 23 करोड़ रुपए का फल तथा सब्जी हमारे यहाँ वेस्ट होता है. या आप समझ लीजिए अगर ऐसा अनुमान लगाया गया है तो. अकॉर्डिंग टू KL चाधा, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अकॉर्डिंग टू KL चाधा, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, इंडिया लॉसेस अबाउट 35-45% ऑफ द हार्वेस्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा लीडिंग टू लॉस ऑफ ₹40,000 करोड़ पर ईयर. KL चाधा, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर के अनुसार हमारे देश में फलों तथा सब्जियों का जो वेस्टेज हो जा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होता है करीब 35-45% है, और इसका अनुमानित जो आय है या इनकम है वो अगर आका जाए तो लगभग 40 करोड़ पर ईयर है. यह आप समझिए. इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कटाई उपरांत कहाँ कहाँ पर कितना लॉस होता है इसको आप देख लीजिए. फार्मर्स फील्ड पे करीब लॉस होता है 15-20%. जब हम तुलाई करते हैं तो एट द फार्म द लॉस इज 15-20%. पैकिंग में लॉस होता है 15-20%. ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होता है 30-40% तथा मार्केटिंग में भी 30-40% लग दे रहे. ये जगह है जहाँ पे ज़्यादातर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है. इस्टीमेटेड लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अनुमानित जो लॉस है वो इस प्रकार है फ्रूट्स और वेजिटेबल का. फ्रूट नेम एस्टिमेटेड लॉस AP में 14%, बनाना में 20-28%, सिट्रस में 20-95%, ग्रेप्स में 27% तथा पपाया में 40-100% लॉस होता है. सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में पपाया में लॉस होता है 40-100%. कैरेट में, अगर वेजिटेबल के कैरेट में 5-9%, चिली में 4-35%, कैबेज में 7-25%, कैलीफ्लावर में भी सेम है, गार्लिक में 0.9-2.7%, ओनियन में 25-40, पोटैटो में 30-40 तथा टोमेटो में 5-34.7% ये लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फलों को हार्वेस्टिंग कराए उपरांत रख रखाव के अगर हम अच्छी व्यवस्था करते तो क्या महत्व है इसका करने से. मेंटेन क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये फलों तथा सब्जियों की गुणवत्ता बनाए रहती है अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करते हैं, रखरखाव अच्छे से करते हैं. रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, रिड्यूस पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी. अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हम करते हैं तो ये क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई उपरांत रखने में जो हमारा नुकसान होता है फलों सब्जियों को, उनसे बचाता है तथा ये गरीबी को दूर करता है तथा फूड की जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा भावना है फलों तथा सब्जियों के प्रति, वो समाप्त होती है. नेक्स्ट, स्टिमुलेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, निश्चित रूप से अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो निश्चित रूप से तेज होगा, बढ़ेगा. नेक्स्ट, इम्प्रूव ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये लोगों के स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मददगार है. अगर निश्चित रूप से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे लोगों को भरपूर फल तथा सब्जियां
प्राप्त होंगी और उनका स्वास्थ्य अच्छे बिताए। दीज आर द प्रोटेक्टिव फ्रूट्स, ये क्या है, रक्षात्मक भोजन है। तो निश्चित रूप से अगर हम रख रखाव अच्छे से करेंगे तो हमें हमारे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको अच्छा पूरा सफिशियंट जो रिक्वायरमेंट है, जैसे 300 ग्राम वेजिटेबल की है तथा 120 ग्राम फल की है, वो पूरी की पूरी उनको प्राप्त होगी। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज 10% ईल बट इट इज़ ईजी टू रिड्यूस 10% आर। जैसे कि आप लोग जानते हैं 10% उत्पादन बढ़ाना कठिन है, लेकिन अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो 10% लॉस को कम करना ज़्यादा सरल है। तो क्योंकि सेविंग इज बेटर देन अर्निंग, अगर आप अपनी चादर जितना उतना पैर फसारते हैं और सेविंग करके अच्छा जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से भी आप खुश रहेंगे। तो इसलिए इट इज़ ईजी टू रिड्यूस 10% लैंड एंड इट इज इंक्रीज 10% ईल्ड। व्हाट आर द स्कोप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का क्या क्षेत्र है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर एक, डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर मखाना लीची एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आर ग्रोन इन एबंडेंस। मखाना लीची तथा ऐसे फल तथा सब्जियां जो कि बहुत अधिक मात्रा में ग्रो किए जाती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वो है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को डेवलप की जाए। एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर शुड बी इस्टेब्लिश एट ईच विलेज विच इज़ लाइकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 20 लाख पर्सन। अगर हम जो एग्रीको प्रोसेसिंग टेक्निक है, फैक्ट्रीज हैं, अगर प्रिजर्वेशन की या प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज डेवलप करते हैं, निश्चित रूप से इससे 20 लाख लोगों को रोज़गार हमारे देश में उपलब्ध होगा। अगर हम इसे हर गांव में फूड प्रोसेसिंग टेक्निक फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करें। सो आई विल, ये मैंने आपको बताया, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।